శ్రీనగర్ లో ఆందోళనకు దిగారు కాశ్మీరీ పండిట్లు టెర్రరిస్టుల నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు మొన్న టీవీ నటి హత్య ఇవాల మహిళ టీచర్ పై కాల్పుల ఘటన జరిగిన అధికార యంత్రాంగం స్పందించడం లేదన్నారు తమ బతుకులకు రక్షణ లేకుండా పోయిందన్నారు 24 గంటల సమయం ఇస్తున్నామని అప్పటిలోగా ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రాకపోతే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు What is happening? They should stop this administrative genocide. बयान दिखा मार उस बेचारी का ड्यूटी नहीं गई होती और उसको जिंदा होती वो उसकी जम उनके बयान उनके बयान अपने बयानों को 10 बार सोचे बोल देने से पहले कि आप ड्यूटी रिज्यूम करो उनको क्या पता है यहाँ का जाते हैं जब प्रदेश में जाओ भाई आ जाते हैं जो यहाँ बैठते दूसरे साथ दूसरे पूछते श्रीनगर के हाल के दूसरों को क्या पता श्रीनगर का हाल इसमें सिर्फ हिंदू नहीं है जो यहाँ में माइनॉरिटी है सब इसमें आप फंसे हैं हम अपने खून से अपने दूसरे को धोते हैं लोग पानी से धोते हैं दूसरे को हम अपने खून से धोते हैं और कितना दबाया खून देखिए सर हम पिछले 12 दिन से स्टेशन पे थे हमें अभी एलजी से भी हमारी मुलाकात हुई हमारी डेलीगेशन की हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस लग रहा था हमें लग रहा था नहीं अब शायद हमारा लेकिन आज आप देखो औरत को मारा जा रहा है ऑफिस में जाकर मारा जा रहा है किस लिए क्या मतलब है इसका इसका मतलब सीधे है कि हमें हक नहीं है अब जीने का शायद अब हमें हक नहीं है यहाँ पे जीने का इन्होंने हमें इसीलिए यहाँ पे लाके रखा है कि इनको आओ और मारो हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रखी है इसलिए हम एलजी साहब से अब गुहार लगा रहे हैं कि 24 घंटे में हमारा हाल निकालिए नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम सारे मास माइग्रेशन हमारे लिए किसी के पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं इसलिए हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे का टाइम दिया है अगर वो लोग रिलोकेट कर सकते हैं तो करें अदरवाइज 90s की तरह सेम हम लोग मास्क